हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलिकन गुरुकुल साइज विनबैक्स 2023। दिस इज अ काइंड ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। देखो, इस टॉपिक में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, नॉट ओनली कि जो विनबैक्स है वो इंडिया और वियतनाम के बीच हो रहा है, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ हमें इसमें सीखने हैं। द इंडियन आर्मी फोर्सेज कंटिजेंट कॉम्प्राइजिंग 45 पर्सनल रीज्ड हनोई, हनोई वियतनाम की कैपिटल है, टू टेक पार्ट इन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2023। ये जो विनबैक्स है ये स्टार्ट हुआ था 2018 में, ओके, ये 2018 में शुरू हुआ था। फर्स्ट एडिशन जो इसका हुआ था जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इट इज़ एन एनुअल ट्रेनिंग इवेंट कंडक्टेड अल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड वियतनाम। तो एक साल इंडिया में होता है, तो अगले साल वियतनाम में, देन फिर इंडिया, फिर वियतनाम। तो फर्स्ट इंडिया में हुआ था 2018 में, तो ओड नंबर 23 आ रहा है, दैट्स वाई इट इज़ इन वियतनाम। तो वियतनाम के हनोई में हमारे 45 पर्सनल, आर्मी पर्सनल पहुंच चुके हैं। लास्ट एडिशन जो हुआ था 2022 का, वो अगस्त 2022 में हुआ था, दैट वाज इन चांदी मंदिर मिलिट्री स्टेशन, पंचकुला सिटी इन हरियाणा। दिस ईयर्स एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड एट हनोई वियतनाम। अब आगे देखो इसमें कि ये जो एक्सरसाइज है, इसे चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के अंडर किया जा रहा है, ओके? तो याद रखना इस बात को कि जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस है यूनाइटेड नेशंस चार्टर का, वो चैप्टर 7 में इंक्लूडेड है, और उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज किया जा रहा है इंडिया और वियतनाम के बीच में। द एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड एज अ कमांड पोस्ट एक्सरसाइज कम फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, फोकस ऑन डिप्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इंजीनियर कंपनी एंड ए मेडिकल टीम। और यही कारण है कि 39 पर्सनल जो हैं उसमें से, उनमें एक इंजीनियर रेजिमेंट है ऑफ बंगाल इंजीनियर ग्रुप, एंड 6 पर्सनल ऑफ आर्मी मेडिकल कॉप्स आर पार्टिसिपेटिंग। और मैप में देखें अगर, तो ये हमारा इंडिया से जो लगा हुआ है, इंडिया के ईस्टर्न साइड से लगा हुआ है म्यांमार, म्यांमार के बाद म्यांमार से बॉर्डर छूता हुआ है थाईलैंड, और थाईलैंड से बॉर्डर शेयर करता है कंबोडिया और लाओस, और लाओस और कंबोडिया के ईस्टर्न साइड में है वियतनाम, जो कि साउथ चाइना सी में पूरा फैला हुआ है। तो इस तरह से देखो, इसका जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इंडिया के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है वियतनाम जैसे दोस्त, बिकॉज चाइना जिस तरह से हमें काउंटर कर रहा है, तो हमें भी चाइना के कुछ वैसे लोग तो ढूंढने ही होंगे जो कि चाइना से थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड हैं। सो इन दिस रिगार्ड, दिस वॉज द होल टॉपिक। If you have enjoyed any part of this session, and positive or negative, whatever be the comments, all are welcome. And share or subscribe, तो आपने पहले ही कर दिया है। Thank you so much. Goodbye. मिलते हैं next session में।